आपको मैं कोरोना के बारे में बताऊंगा। हाँ भैया बताइए कोरोना के बारे में। 30 केस हो गए। 30 केस हो गए? हाँ। अच्छा। 1000 केस पे 30 केस हो गए। हाँ। अच्छा। और आपको मैं केस दिखाता हूँ। अच्छा। कैसे हाल आप बताइए जी दोस्तों। मोदी ने कहा कि सब बच्चे घर में फुटबॉल खेल रहे और बाहर नहीं निकले, लेकिन हम बाहर में कैसे जाए? हाँ यार ये तो समस्या है, पार्क में कैसे जाए? फिर मेरा स्कूल भी बंद। स्कूल भी बंद है? मेरा तो खुला हुआ है, स्कूल बंद है, लेकिन अभी लॉकडाउन 4 आ गया, आगे भी मोदी ने लॉकडाउन कर दिया। आप बताओ दोस्तों क्या करें? बताओ क्या करें दोस्तों? हमको तो हमें ही बचाना पड़ेगा। अच्छा अब आप ही मेरे को बचाओगे? अब आप लोग ही हमें बचाओगे। मोदी कौन है वैसे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दिमाग में आता है। अच्छा बोलते प्रधानमंत्री। लेकिन यार मजदूर लोग बहुत परेशान है सूर्य भैया। हाँ। पता नहीं भगवान ने बेचारे को लोग ने बताओ मजदूरों को बेचारे बहुत दुखी हैं, पैदल जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई कई दिन हो गए उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। हाँ, बताओ भगवान ने खाना नहीं दिया। बताओ अब भगवान को कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सरकार के बस का तो कुछ है नहीं, जैसे हालात हैं उसको देखते हुए सरकार के बस का कुछ नहीं है। बताइए हमारे देश के बेचारे मजदूर लोग पैदल चल रहे हैं सड़कों पर, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको जहाज से बुलाते हैं, बाहर से विदेश से भी बुलाते हैं, और अपने देश के अंदर जो हैं वो देश के अंदर ही अपने घर में पहुंच रहे लोग। बस यही सरकार की व्यवस्था है। उनको लोग को बचा लोगे एकदम। हाँ देखो भैया सूर्य जब बड़ा हो जाएगा बेचारा ये बचा लेगा, लेकिन अभी तो ये भी छोटा है कैसे बचाएगा? अभी तो मैं उड़ सकता नहीं। अभी तो ये उड़ नहीं सकता है। जब बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे पास सुपर कपड़े आ जाएंगे, फिर मैं उड़ना। हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। हाँ देखो जैसे मैं कूदूंगा फिर मैं उड़ जाऊंगा, सब लोग के लिए बचाने के लिए, सब गरीब बच्चों को बचाना आप, ठीक है? जितने भी मजदूर भाई बहन है सबको खाना देना है, उनको खाना खिलाना है और उनको उनके घर तक पहुँचाना है, ठीक है? जब मैं बड़ा होऊंगा तो उनके घर तक पहुँचाऊंगा। हाँ अरे आपका बहुत बहुत थैंक यू सूर्य भैया, आप ऐसा सोचते हो सर को मार दिया। हाँ। उनके पास ऐसा खून निकाल दिया, अब मैं साथ कैसे चलेंगे? अब तो मैं उनको बड़ा होकर उठा के ही चलूंगा। बताओ बहुत दुख की बात है सूर्य भैया, पूरा देश रो रहा है सूर्य इस टाइम। जब लॉकडाउन खुल जाएगा जब सारा टीम को जाएगा कोरोना। पता है सूर्य छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं बेचारे रास्ते में। हाँ उनकी मम्मी रो रही है मेरा बच्चा मेरा बच्चा। मैं उन बच्चे को ठीक कर दूंगा बड़े होकर, जब सुपर कपड़े पहनूंगा तब मैं उड़ूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे पास सुपर कपड़े आ जाएंगे, फिर मैं सारे लोग बचाऊंगा उनकी जान। लेकिन बेटा जो मर गए बेचारे कैसे आएंगे वो वापस तो नहीं आएंगे, वो तो भगवान जी के पास चले गए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे पास सुपर कपड़े आ जाएंगे, फिर मैं उड़ जाऊंगा, फिर भगवान के पास सारे यहाँ पे आ जाऊंगा। अच्छा तो भगवान से ले आओगे आप सारे बच्चे? हाँ, फिर अपनी गोदी में उठा लूंगा लोग। बताइए सरकार को बहुत बुरे दिन आए हुए हैं। हाँ गरीब आदमी बहुत परेशान है भाई। मैं कह रहे थे घर पर चलो कहीं और घूमने चलते हैं, फिर उन्होंने कहीं और घूमना चला, फिर उनको एक कोरोना दिखाई दिया, करना अलग रहता। हाँ खा लिया उन बच्चों को कोरोना की वजह से ही हुआ है ये सब। हाँ उनको कोरोना मिल गया था वाला। लेकिन मोदी को कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जितने जितने प्रयत्न मोदी ने अभी तक किए हैं वो कम हैं, और भी ज्यादा होने चाहिए। मोदी जब मेरे पास सुपर
कपड़े वाले, फिर मैं मोदी को उठा लूंगा, फिर भाग लूंगा। अरे नहीं यार, मोदी को उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ हाईवे पे अगर बस चल जाए और जो भी बंदा हाईवे पे नजर आए उनको बस में बिठा के जहाँ पे भी है बंदा उनको वहाँ छोड़ दो। पापा जी, हाँ जी, तो देख युक्ति आई है। हैं? युक्ति। आपको एक युक्ति आई है, बताओ क्या युक्ति आई है आपको। जब मेरे पास सुपर कपड़े आएंगे बड़े वाले, हाँ जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, हाँ जी, फिर मैं उड़ जाऊंगा, हाँ, फिर मैं कपड़े पहन लूंगा सुपर कपड़े, ठीक है, फिर मैं उड़ जाऊंगा, फिर मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, फिर मैं अपनी अपनी लाइफ निकाल लूंगा, फिर आपको भी पकड़ कर माँ ऊपर ले जाएगी, फिर आप भी उन सारे लोग के सुपर कपड़े बना लेंगे आपको। क्यों सूर्या, अगर सरकार हाईवे पे बस चला दे सरकारी, तो हाईवे पे जितने भी बेचारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको बस में बिठाना चाहिए और बिठा के जिस स्टेट के हैं वहाँ स्टेट में छोड़ जाना चाहिए उनको। अरे तो कितना खर्चा आ जाएगा, कम से कम लोग तो मरने से बच जाएंगे भाई, गरीब लोग बेचारे जनता की मदद। रुको रुको।